हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज, अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वही मदर टेरेसा वाली ड्राइंग जो कि आपने देखा लास्ट व्लॉग में, उससे लास्ट व्लॉग में भी देखा। तो 5 दिन हो गए अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो कंटिन्यू करते हैं। और अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ आज 11 बजे तो कंटिन्यू करते हैं इसको और देखते हैं कब तक कंप्लीट। और मैंने एक सेटअप बनाया किस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, दिखा देता हूँ मैं आपको। तो गाइज, ये हमारी ड्राइंग जो कि अभी कुछ इतनी कंप्लीट हुई है। कल रात को मैंने ये वाला पार्ट किया था जो कि चारकोल से किया था, चारकोल स्टिक से, और थोड़ा बहुत ये पार्ट किया था। तो देख लो, हैंड की डिटेलिंग बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है। तो अभी ये वाला पार्ट करना है कंप्लीट ब्लैक इसी तरह से, और देख लो ऊपर का पार्ट रह गया। तो मैंने इस तरह से कुछ रख लिया इस पे पेपर अपने टेबल पे। यूजली मैं इस तरह से रखता हूँ, बट मैंने पहली बार इस तरह से रख लिया क्योंकि पेपर काफ़ी बड़ा है, तो इस तरह से सही फिट आ गया। और मैंने टेबल को इस तरह से घुमा लिया है पूरा ताकि मैं इस तरह से वर्क कर सकूँ। तो मैं खड़ा होकर ही वर्क करूँगा। और टेबल के यहाँ पर इस तरह से लैंप है तो यहाँ से सही लाइट आ रही है। और यहाँ पे मैंने कुर्सी को साइड में रख दिया है, ट्राईपोड को इसके ऊपर रख दिया है चारपाई के, क्योंकि काफ़ी छोटा रूम है तो स्पेस नहीं मिल रहा था। तो अब मैं कुछ इस तरह से आज ड्रॉ करूँगा पहली बार। तो रूम में सब कुछ चेंज हो चुका है, टेबल मैंने अलग तरह से रख दिया है, ट्राईपोड अलग तरह से रख दिया है, और पूरा मतलब चेंज हो चुका है इसको ड्रॉ करने के लिए। तो अब ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे खड़े होकर। और चारकोल से वर्क कर रहा हूँ तो फ़ैन भी ऑफ है, बिकॉज़ फ़ैन ऑन करने से चारकोल तो पूरा उड़ जाएगा और मेरे पूरे रूम की वॉट लग जाएगी। तो मैं फ़ैन को ऑफ करके ही बना रहा हूँ। तो चलो अब इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है और कब तक मैं आज रात को ड्रॉ करता हूँ। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ बैकग्राउंड पे, वो मैं कर रहा हूँ कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से। तो मैंने 10 पेंसिल शार्प कर लिए बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि एक से तो नहीं कर पाऊँ, फिर बार बार शार्प करना पड़ेगा। तो मैंने 10 एक साथ शार्प कर लिए हैं और मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि कंप्लीट बैकग्राउंड मैं इन्हीं से करूँ, क्योंकि मैंने कल चारकोल स्टिक का यूज़ किया जितना मैंने आपको दिखाया डार्क एरियाज के लिए, और जनरल की का भी यूज़ किया और कॉन्टे का भी यूज़ किया। तो मेरे को ये वाली काफ़ी पसंद है, आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। तो मैंने सोचा आज इससे करते हैं। और चारकोल स्टिक से मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, बट ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो देखते हैं किस तरह से शेड हो पाता है इनसे। तो मैंने 10 शार्प कर लिए हैं, तो इनसे काफ़ी देर तक मैं शेड कर पाऊंगा। तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं सेट कर रहा हूँ गोप्रो को, बिकॉज़ दूसरे एंगल से भी वीडियो बन जाएगी तो आपको काफ़ी सही दिखेगा, और इससे तो बहुत ज़्यादा वाइड दिखता है। हाँ, पूरा वाइड दिख रहा है। तो थोड़े बहुत शॉट्स में आपको इससे भी दिखा दूँगा। और DSLR मैंने यहाँ लगा रखा है इस पर, और जो भी वर्क है वो कुछ इस तरह का लग रहा है। तो बैकग्राउंड काफ़ी सही लग रहा है। तो देखो, बैकग्राउंड से जो फेस है वो काफ़ी उभर के आया है और काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल फील हो रहा है पेंसिल से करने में। तो ये पेंसिल्स को मैंने दोबारा अच्छे से शार्प कर लिया है। वो भी ये वाला पार्ट बाकी है और ये वाला तो पूरा ही बाकी है।
सो अभी टाइम हो रहा है तो अभी 2:30 बज रही है, तो ऑलमोस्ट 3.5 घंटे मैंने इस पर काम कर लिया है। जो ये वाला पार्ट किया है मैंने कंप्लीट बैकग्राउंड, तो अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो ये सिर के ऊपर वाला क्लोथ बाकी है और ये वाला पार्ट बाकी है, जो कि अब मैं कल ही ड्रॉ करूँगा, बिकॉज अभी मुझे लग रही है भूख, तो मैं पहले कुछ खाना लेके आता हूँ और उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, और ये विंडो बंद कर देता हूँ, नहीं तो पड़ोस वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे मैं बोलूँगा तो। हाँ अब ठीक है, तो मैं एक बार खाना लेके आता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। सभी मैं खा रहा हूँ चावल में डाल के दूध, जो कि मेरा फेवरेट है, आपको भी अच्छा लगता होगा, ट्राई करना कभी अगर आपने नहीं किया तो। और खाना मैं डेली खाता हूँ इस टाइम पे, मम्मी को बोल देता हूँ मैं, मम्मी मेरे एक्स्ट्रा बना देती है रोज़ डेली, तो मैं इस टाइम खाता हूँ, कभी चावल खा लिए कभी रोटी जो भी होता है मैं खा लेता हूँ। सो एक बार मैं इसको फिनिश करता हूँ और उसके बाद आपसे बात करता हूँ। सो गाइस मैंने खाना पीना तो खा लिया, तो अब मैं सो जाऊँगा थोड़ी देर में, बिकॉज रेस्ट करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए, एटलीस्ट 4 घंटे की नींद तो बहुत ज़रूरी है, मैं 6-7 घंटे की नींद तो कर ही लेता हूँ। और देखो मेरे मतलब टाइम क्या हो गया, 3 बज गए, 3:10 हो गए और अभी तक मेरी आंखों में बिल्कुल भी आपको नींद नहीं दिखेगी, क्योंकि ऐसा एक्साइटमेंट रहता है ना एक आर्टिस्ट को काम करने का, और मेरे को तो व्लॉग बनाने का कैमरा आ गया है, तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती मेरे को। अगर कुछ और काम कर रहा होता ना तो मेरे को 9-10 बजे नींद आ जाती, कुछ और काम जो मतलब कुछ घर का काम या फिर कुछ पढ़ाई वढ़ाई, उसमें तो ऐसे नींद आती है मेरे को, दिन में नींद आती अगर कोई और काम करो, बट आर्ट आर्ट वाला काम अपना ड्राइंग वाला काम तो फिर तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती लिटरली। तो एक आर्टिस्ट की लाइफ ऐसी होती है मतलब जिस काम में हमको पैशन होता है ना लिटरली हमको बिल्कुल भी नींद नहीं आती, तो अपना ऐसा काम ढूंढो जिसमें मतलब बिल्कुल पैशन हो और उसको आप 24 आवर्स कर सको बिना सोए। मेरे अंदर ना पता नहीं एक एक्साइटमेंट रहती है किसी वर्क को करने की और किसी वीडियो को बनाने की, उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती, उसकी वजह से मुझे कुछ और काम करने को मन नहीं करता। आपके साथ भी होता होगा मान लो कुछ भी, कुछ तो ऐसा काम होगा जिसमें आपको एक्साइटमेंट रहती होगी, तो मेरे को इसमें रहती है, मान लो मैंने कोई वर्क स्टार्ट किया, ये मैंने इतना बड़ा स्टार्ट किया मान लो, तो मैं इसको जब तक कंप्लीट नहीं करूँगा तो एक्साइटमेंट रहेगी कि जल्दी बनाता हूँ जल्दी बनाता हूँ, इसको और टाइम दो, इसमें और टाइम देता हूँ। और जैसे वीडियो बनाई मान लो, कोई व्लॉग बनाया मैंने, मान लो ये व्लॉग बनाया तो इसको एडिट करने का मुझे एक्साइटमेंट रहेगा कि जल्दी से एडिट करूँ, मान लो अभी रात के अभी जैसे मान लो अभी 3:21 हो गए, तो 3:21 हो गए, अब मैं इस व्लॉग को जैसे एडिट करूँगा तो इस व्लॉग को मैं एडिट करके ही सोऊंगा, बिना एडिट करे मेरे को नींद नहीं आएगी, तो मैं 4-4:30 बजे ही सोऊंगा आज। ये मेरे साथ होता है कि मतलब कोई मैं वीडियो बनाऊँ कोई भी आर्ट वर्क करूँ तो मेरे को एक्साइटमेंट रहता है उसका, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है, हमको पैशन होना चाहिए और एक्साइटमेंट भी होना चाहिए, तभी हम उस काम को काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। एंड मेरी लाइफ तो ऐसी है, आई एम नॉट ओनली आर्टिस्ट आई एम एन यूट्यूबर व्लॉगर, तो मुझे यूट्यूबर की तरह भी सोचना पड़ता है, व्लॉगर की तरह भी सोचना पड़ता है, एडिटर की तरह भी सोचना पड़ता है, किस तरह से मैं आपको वीडियो रिप्रेजेंट करूँ, ओनली मतलब ड्रॉ करने से नहीं होता, ड्रॉ तो काफ़ी आर्टिस्ट करते हैं, तो मैं किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करूँ उस तरह से मुझे शॉट्स लेने पड़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट, मतलब आपने ये वीडियो देखी मान लो इसमें मैंने बार बार मैं लेंसेज को चेंज कर रहा था, बार बार मैं कैमरे के एंगल को चेंज कर रहा था, तो वो देखना पड़ता है किस तरह से मुझे आपको शो करना है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूट्यूब पर काम करने के लिए, जो कि आपको पसंद आते हैं मेरे ब्लॉग्स, बट आई रियली लव इट गाइज ये लाइफ, मतलब लिटरली मतलब यूट्यूब पर मैं आपके लिए वीडियोज़ भी बना रहा हूँ ब्लॉग्स भी बना रहा हूँ और अपनी तरह से मैं नए नए एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहा हूँ। और आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, मैं आप ड्रॉ कर रहा हूँ मतलब ज़्यादा चैलेंजिंग वर्क्स हो गए, ज़्यादा बड़े बड़े वर्क्स हो गए, क्योंकि मतलब एक जगह पे अटकना नहीं चाहिए लिटरली, मतलब कंफर्ट जोन में ही आना चाहिए, मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बताया था कि कभी भी कंफर्ट जोन में मत आओ, जैसे कंफर्ट जोन में मतलब पहले मैं A4 या फिर A3 के अच्छे से बना पा रहा था, चाहे हाइपर रियलिस्टिक रियलिस्टिक बना पा रहा था, तो अब मैं एकदम से बड़े पे आ गया, अब स्टार्टिंग में तो मुझे दिक्कत आ रही है, बट मान लो 1 साल बाद ये मेरा कम्फर्ट जोन हो जाएगा, ये मैं यूजली ड्रॉ कर पाऊंगा, तो ये फ़र्क पड़ता है, जो कि हमको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा अगर आप किसी कंफर्ट जोन में हैं। मैं मान लो जैसे पहले ड्रॉ करता हूँ, मैं मान लो अभी भी वैसे ही ड्रॉ करता, बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट ना करता, ज़्यादा ड्रॉ ना करता, ज़्यादा टाइम ना देता, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो हमको अपने कम्फर्ट जोन से निकलना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, बिकॉज अभी यही टाइम है जब हम काम कर सकते हैं, बाद में तो फिर नहीं कर पाएंगे, और मेरे ड्रीम्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा पड़े हैं पता नहीं पूरे होंगे नहीं, बट मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ ना। और काफ़ी लोग बोलेंगे कि इतनी लेट तक मैं जाएगा करो आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, बट अब मेरे को आदत हो गई है, मेरा ये रूटीन बन चुका है कि मतलब रात को मैं काम करता हूँ 3-4 बजे तक, लास्ट मेरा 4 बजे तो होता है, 4 बजे मैं सो जाता हूँ, बट एटलीस्ट मैं 6-7 घंटे की नींद तो ले ही लेता हूँ, सुबह मैं 8-9 10 बजे उठता हूँ मैं सुबह। आई थिंक अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपको भी रात को काम करना ज़्यादा पसंद आता होगा,
दिन में मेरे को इतना पसंद नहीं आता, पता नहीं क्यों शोर होता है, पता नहीं क्यों, बट मेरे को शांति में काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। साथ में मैं थोड़े बहुत सॉन्ग्स भी लगा लेता हूँ, अदरवाइज जब व्लॉग करना हो तब तो कुछ भी नहीं, तब तो बस वीडियो बनती रहती है अलग अलग एंगल से। सो गाइस मेरा तो बस यही रूटीन है सोने का और जागने का। मैं ये सिंपैथी लेने के लिए नहीं कर रहा हूँ कि मतलब मैं इतनी लेट तक जागता हूँ, इतना हार्ड वर्क करता हूँ, इसलिए नहीं कर रहा। मतलब आपको मोटिवेशन मिलेगा जो भी नए आर्टिस्ट हैं, जो नए बिगिनर्स हैं, अगर मैं कह सकता हूँ आप भी कर सकते हैं। मतलब मैं भी कहीं से मतलब बाहर से नहीं आया हूँ, कोई मतलब अलग नहीं हूँ, वहाँ से माप की तरह हूँ मैं भी, बट मेरे को पैशन है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं करता हूँ। सो गाइस बस यही कुछ बातें थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, कुछ ज़्यादा था नहीं, बस ड्राइंग करके दिखाया। ट्रैवलिंग व्लॉग्स वो तो अलग ही बनाता हूँ मैं, ट्रैवलिंग हो गए या फिर कहीं आसपास के जो भी मैं बाहर जाता हूँ वो मैं बनाता रहता हूँ। बाय द वे ये बिहाइंड द सीन भी बनाऊंगा मैं। तो अब मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।